Hello friends, welcome to StudyGo with Zina Siddiqui. For more videos, subscribe the channel and press the bell icon for latest updates. दोस्तों अगर आप लोग मुझे Instagram पर फॉलो करना चाहते हैं तो मेरा Instagram का पेज है और इसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, आप वहां पर क्लिक करके मुझे इजीली Instagram पर फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में कि ये क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसका स्कोप क्या है, नेचर क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है, ये सब चीज़ें आज इस वीडियो में कवर की जाएंगी। दोस्तों ये चीज़ आप लोगों को पता ही होगी कि जो हमारा इंडिया है एक डेमोक्रेटिक स्टेट है और हमारे डेमोक्रेटिक स्टेट के 3 इम्पोर्टेंट पिलर हैं, हमारे लोकतांत्रिक राज्य के 3 महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। पहला है लेजिस्लेचर, दूसरा जुडिशरी, तीसरा एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर यानी कि विधायिका, जुडिशरी न्यायपालिका और एग्जीक्यूटिव यानी कि कार्यपालिका, ये तीनों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। लेजिस्लेचर में आता है आपका पार्लियामेंट हो गया, पार्लियामेंट के 2 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हमारा राज्यसभा, एक होती है लोकसभा, और दूसरी चीज़ क्या आती है स्टेट लेजिस्लेचर, और स्टेट लेजिस्लेचर में भी बहुत सारी कमिटीज़ वगैरह ये सब चीज़ें आती हैं। अब जुडिशरी क्या है, जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये सब कोर्ट्स जुडिशरी में आते हैं। लास्ट चीज़ है एग्जीक्यूटिव। अब कार्यपालिका क्या है, ये चीज़ समझ में नहीं आती है कि कार्यपालिका क्या है। ये बात तो पता है कि लेजिस्लेचर लॉ बनाने का काम करती है, जितने भी लॉ वगैरह हैं, जितने भी एक्ट्स वगैरह अधिनियम जो भी हैं वो सब लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए जाते हैं। अब जुडिशरी क्या करता है, जुडिशरी के पास ये पावर होती है अगर कोई भी लॉ जो लेजिस्लेचर ने बनाया है अगर वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के असंगत है, हमारे फंडामेंटल राइट के वायलेशन में है, तो जुडिशरी उसको नल एंड वॉइड, शून्य घोषित कर सकती है। और एग्जीक्यूटिव क्या करती है, जो लेजिस्लेचर लॉ बनाती है उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनको लागू करवाती है। ये बात हर किसी को पता है, लेकिन ये नहीं पता है कि एग्जीक्यूटिव कौन है, किसको हम बोले कि ये बंदा एग्जीक्यूटिव है, ये चीज एग्जीक्यूटिव है। दोस्तों जब आपने एनवायरमेंट पढ़ा होगा, एनवायरमेंटल लॉ, तो वहां पर आपने वाटर प्रिवेंशन ऑफ कंट्रोल एंड पॉल्यूशन एक्ट भी पढ़ा होगा, तो वहां पर उस एक्ट में सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई है। तो ये क्या है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये क्या है एग्जीक्यूटिव है। इसी तरह एडवोकेट एक्ट है 1961, यहाँ पर है आपका बार काउंसिल ऑफ इंडिया, ये क्या है, ये भी एग्जीक्यूटिव है, इसका एस्टेब्लिशमेंट एडवोकेट एक्ट में किया गया है, तो ये एग्जीक्यूटिव है। अब ये एग्जीक्यूटिव क्यों है, अब देखो लेजिस्लेचर कोई लॉ वगैरह बनाएगी, मान लो उसने वाटर प्रिवेंशन कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट बनाया है, तो उसने उसमें प्रावधान भी किया है कि इसका एक सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा और एक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होगा, और इन दोनों बोर्ड्स को उसने पावर दी है कि अब तो हमने एक्ट बना दिया है, अब आगे आपकी बारी है, अब आप इसको इम्प्लीमेंट कराओ, इसको कैसे लागू करवाना है, पूरे देश में इसको कैसे चलवाना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। यानी कि लेजिस्लेचर तो लॉ बना देती है, उनको किस तरह से इम्प्लीमेंट करवाना है ये एग्जीक्यूटिव करता है। और एग्जीक्यूटिव कौन होता है, मान लो कोई एक्ट लेजिस्लेचर ने बनाया तो उस एक्ट में ये प्रोविजन भी होगा कि इस एक्ट के अंदर एक गवर्नमेंटल बॉडी है जो कि इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कराएगी। फॉर एग्जाम्पल एडवोकेट एक्ट 1961, वहां पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया एंड स्टेट बार काउंसिल, ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है, इनका एस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेचर ने उस एक्ट में करवाया जिससे एडवोकेट एक्ट का इम्प्लीमेंटेशन पूरे देश में आराम से हो सके। यानी कि लेजिस्लेचर सिंपली क्या करती है, एक्ट बना देती है और उसमें प्रोविजंस डाल देती है, और उसमें गवर्नमेंट बॉडी के एस्टेब्लिशमेंट का भी प्रोविजन होता है जिससे वहां पर एक गवर्नमेंट बॉडी बनती है जो कि क्या करती है, उस एक्ट को इम्प्लीमेंट करवाती है कि कैसे ये चलेगा, कैसे इसको लागू कराया जाएगा, ये सारी जिम्मेदारी उस एग्जीक्यूटिव को, उस गवर्नमेंटल बॉडी को सौंप देती है, इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव। और ये पावर जो इसको दी गई है इसको बोलते हैं डेलीगेट पावर। तो ये चीज आपको समझ में आई, तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है यहाँ पर एग्जीक्यूटिव की बात होती है, इन दोनों में से किसी की बात नहीं होती है, सिर्फ एग्जीक्यूटिव की बात होती है। एग्जीक्यूटिव की पावर्स क्या हैं, एग्जीक्यूटिव कैसे लॉ को प्रिवेल कराता है, मतलब लागू करवाता है, इम्प्लीमेंटेशन कराता है, तो ये सब चीजें आती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये गवर्न करता है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस को, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हैं जो प्रशासनिक कृत्य होते हैं उनको क्या करता है, गवर्न करता है, उनको शासित करता है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एक्सपेंडेड ग्रेटली ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी एज लेजिस्लेटिव बॉडीज वर्ल्ड वाइड क्रिएटेड मोर गवर्नमेंट एजेंसीज टू रेगुलेट द सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फेयर्स ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। यानी कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये बहुत अच्छे से
पॉपुलर हुआ 20th सेंचुरी में, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में लेजिस्लेटिव बॉडीज ने गवर्नमेंट एजेंसीज क्रिएट करनी स्टार्ट कर दी थी, और उनका काम क्या था, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन इंट्रैक्शन, इनको रेगुलेट करना, इनको नियंत्रित करना, जितने भी ह्यूमन के पॉलिटिकल स्फीयर्स हैं, इकोनॉमिक, सोशल, इन सबको रेगुलेट करना उन एजेंसीज का काम था। तो ये क्या है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये गवर्नमेंट एजेंसीज जो कि लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट की गई हैं। और ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, ये एक पब्लिक लॉ होता है, और ये डील करता है किस चीज़ से, एक इंडिविजुअल की जो गवर्नमेंट के साथ रिलेशनशिप है उस चीज से डील करता है। इट डिटरमाइंस ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज टू एनफोर्स द लॉ, और साथ ही ये इस चीज से भी डील करता है, इस चीज को डिटरमाइन करता है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज बनाई गई हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज जो हैं, उनके पास क्या पावर है, उनका क्या स्ट्रक्चर है, और उनका ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कैसे उनको इस्टेब्लिश किया जाएगा, और कैसे वो लॉ को इन्फोर्स करवाएंगी, यानी कि लॉ को इन्फोर्स कराने के लिए उनका क्या ऑर्गेनाइजेशन है, किस तरह से उनका संगठन किया जाएगा, और उनको क्या क्या पावर दी जाएंगी, ये चीज़ें इसमें डिटरमाइन की जाती हैं। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की, कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की क्या डेफिनेशन है। तो सिंपल सी बात है, अगर किसी भी चीज़ की डेफिनेशन हम देते हैं तो प्रत्येक बंदे का अलग अलग व्यू होता है, तो सबके कॉन्सेप्ट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के बारे में, सबके अलग कॉन्सेप्ट है। सर आइवर जेनिंग, इनका मानना है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज द लॉ रिलेटिंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, सिंपल सी बात है, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड ही है। इट डिटरमाइंस द ऑर्गेनाइजेशन पावर्स एंड ड्यूटीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, यानी कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं उनकी क्या पावर्स हैं, उनकी क्या ड्यूटीज हैं, उनका कैसे ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में डिटरमाइन की जाती हैं। तो ये सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। अब IPMSE ने भी इस चीज़ को डिफाइन किया है, उनका मतलब है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज दैट ब्रांच ऑफ पब्लिक लॉ विच डील्स विद द ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज एंड प्रिस्क्राइब्स द प्रिंसिपल एंड रूल्स बाय विच एन ऑफिशियल एक्शन इज रीच्ड एंड रिव्यूड इन रिलेशन टू इंडिविजुअल लाइबर्टी एंड फ्रीडम। यानी कि इन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है, एक ब्रांच है पब्लिक लॉ की। इससे साफ पता चल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन भी आपका पब्लिक लॉ है, तो ये भी क्या है, एक पब्लिक लॉ है, जो कि डील करता है किस चीज़ से, ऑर्गेनाइजेशन एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एंड क्वासी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनकी क्या पावर है, उनकी क्या ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ से डील करता है, और क्या प्रिस्क्राइब करता है, वो सभी प्रिंसिपल्स, वो रूल्स जिनसे कोई ऑफिशियल एक्शन किया जा सकता है, रिव्यू किया जा सकता है, किस चीज़ के रिलेशन में, इंडिविजुअल की लाइबर्टी एंड फ्रीडम। इंडिविजुअल की लाइबर्टी जो है, जो आज़ादी है, जो फ्रीडम है, स्वतंत्रता है, उसके रिलेशन में। तो ये IPMSE का कहना है। तो ये तो इनकी डेफिनेशन हो गई। अब बात आती है कि इसका स्कोप क्या है, स्कोप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। देयर आर सेवरल ब्रांचेज ऑफ साइंस ऑफ लॉ, जो भी आपके साइंस ऑफ लॉ है, जितने भी लॉज हैं उन सब की अलग अलग ब्रांचेज, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, जैसे कि मैंने बताया कि 20th सेंचुरी में डेवलप हुआ, तो ये रिसेंट ब्रांच ऑफ साइंस ऑफ लॉ है। इन द पॉलिटिकल साइंस देयर आर फ्यू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स, जो पॉलिटिकल साइंस होता है आपका, वहाँ पर कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स होते हैं। सर्टेन फंक्शंस हैव बीन अलॉटेड टू दीज ऑर्गन्स इन एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी, और उनको कुछ फंक्शंस अलॉटेड हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ डील्स विद द स्ट्रक्चर फंक्शंस एंड पावर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन। ये बात बार बार रिपीट हो रही है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो किस चीज़ से डील करता है, वो इस चीज़ से डील करता है, इस चीज़ को डिटरमाइन करता है कि जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं, क्वासी जुडिशियल अथॉरिटीज हैं, उनके क्या फंक्शंस हैं, उनका ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगा, उनके क्या पावर्स हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर है, इस चीज़ से डील करता है, इस चीज़ को डिटरमाइन करता है। इट ऑल्सो लेज डाउन द मैथड्स एंड प्रोसीजर विच आर टू बी फॉलोड बाई देम ड्यूरिंग रेमेडीज विच आर अवेलेबल टू द पर्सन्स हुज राइट्स एंड अदर प्रिविलेज आर डैमेज बाय देयर ऑपरेशन। यानी कि जब एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गन्स कोई चीज़ कर रहा है, मतलब कोई लॉ वगैरह लागू करा रहा है, तो उस टाइम पर अगर किसी पर्सन के अधिकार का, राइट का उल्लंघन हो जाता है, तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है वो क्या करता है, रेमेडीज भी प्रोवाइड करता है। यानी कि वो मेथड, वो प्रोसीजर जिसके द्वारा कोई रेमेडी प्रोवाइड की जाएगी किसी बंदे को जिसका अधिकार वायलेट हुआ है, उसका हनन हुआ है ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन,
तो तब उसको रेमेडीज किस तरह से प्रोवाइड की जाएगी, ये सब चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में बताई गई हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का क्या स्कोप है। पहली चीज है कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है ये एक न्यू ब्रांच है जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स, जो आपके पॉलिटिकल साइंस के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स हैं उनके क्या प्रोसीजर्स हैं, उनके क्या मेथड्स हैं, जो भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज हैं उनके मेथड एंड प्रोसीजर्स, इन सब चीज़ों को भी हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज़, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स जो हैं उनका क्या स्ट्रक्चर है, उनकी क्या पावर है, उनके फंक्शंस क्या है, क्या ड्यूटीज हैं उनकी, कैसे उनका ऑर्गेनाइजेशन किया जाएगा, इस चीज़ को भी डिटरमाइन किया जाता है। तीसरी चीज़, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में अगर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, यानी कि अगर किसी बंदे के राइट का उल्लंघन होता है या फिर कोई डैमेज उसके राइट को पहुंचता है तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में उस बंदे को रेमेडी भी प्रोवाइड की जाती है, इस चीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में दिया गया है। लास्टली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स, लास्टली अगर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेन्स जो हैं आपके एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ वगैरह हैं, अगर ये बियॉन्ड द अथॉरिटी जाती हैं या फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करती हैं या फिर पेरेंट एक्ट को वायलेट करती हैं, तो इन कंडीशंस में इनको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, ये चीज़ भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में पढ़ी जाती है। इस चीज़ को भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में कवर किया गया है। सो गाइज, इट्स ऑल अबाउट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में क्या रिलेशनशिप है, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस है एंड क्या सिमिलैरिटीज। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर देना, डिसलाइक बिल्कुल मत करना क्योंकि बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में। और अगर कोई कमी रह गई है तो प्लीज़ कमेंट करके वो भी बता देना। और लास्टली मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।